फेस की होगी कि जब बहुत बड़ी फाइल का नाम होता है तो आप उसका बैकअप नहीं बना पाते और जो इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफर करते हैं वो अधूरी ट्रांसफर होती है दूसरे बैकअप ड्राइव में। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि जो फोल्डर आपने लिया है उसका नाम को छोटा कर दीजिए। तो छोटा करने में क्या होगा कि आपका पाथ का नाम जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। जब फाइल का नाम की लेंथ कम हो जाएगी, ये देखिए कितनी बड़ी फाइल है, तो उसके फाइल के नाम की लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अब ये फोल्डर जो है इसके नाम को हम कम कर देंगे। तो उसको कम करने के लिए हमने राइट क्लिक किया और रीनेम किया, फाइल के पाथ टूल फेसबुक हेल्प। अब यहाँ पर सेंटर फाइल हटा दिया, सेटिंग ऑफ सेटिंग एंड टूल फेसबुक, बेसिक प्राइवेसी सेटिंग एंड टूल ऑन फेसबुक कर देते हैं। टूल फेसबुक हेल्प है, चलिए अच्छा ले लेते हैं ये, इसको रीनेम कर दिया। अब फाइल का नाम जो होगा आपका छोटा हो जाएगा। अब छोटा हो जाएगा जब, तो उसको हम जब कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करेंगे और किसी और जगह ट्रांसफ़र करेंगे, मान लीजिए एफ में करते हैं, तो वहाँ पे जाके वी करेंगे हम, तो आपकी फाइल जो है ये देखिए कॉपी हो गई। अभी हमें कॉपी नहीं करना है तो इसलिए कंट्रोल जेड कर दिया, बड़ा नाम होते हुए भी वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड में जाएं, देखिए फाइल अपनी जगह पे आ गई होगी, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। दो फाइल थी यहाँ पर, अब देखिए दोनों फाइल है। तो इस तरह से फाइल के फोल्डर को रीनेम करके, फाइल के नाम को छोटा करके हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसकी बैकअप उसी फोल्डर में बना सकते हैं जिस फोल्डर को हमने ट्रांसफ़र किया है। तो इस तरह से हम बैकअप को प्रॉपरली बना सकते हैं, आधा अधूरा बैकअप नहीं बनेगा। अब दूसरा तरीका है कि विंडो प्लस एक्स करिए, रन कमांड करिए, सीएमडी करिए, ओके करिए। अब यहाँ पर आप पहले से हमने कुछ बना रखा है, इसको दिखा देते हैं हम आपको। सबसे पहले आपको एक वर्चुअल ड्राइव बनानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको चेन डायरेक्टरी बैक स्लैश करना पड़ेगा। जब चेन डायरेक्टरी बैक स्लैश करिएगा तो वहाँ पर सी ड्राइव पर चला जाएगा, सी ड्राइव पर सब्स्टिट्यूट एक्स करना पड़ेगा। तो इनवैलिड पैरामीटर ले रहा क्यों, क्योंकि उसका दूसरा पैरामीटर वो है जहाँ जहाँ जिस ड्राइव को हमें वर्चुअल बनाना है। तो सब STX:C: और ड्राइव का पाथ दे देंगे, तो यहाँ पे X नाम की एक ड्राइव बन जाएगी। जब X नाम की ड्राइव में हम जाएंगे तो वहाँ DIRW करेंगे हम, तो जितनी फाइल C की थी वो डाउनलोड की वो सारी यहाँ पर दिखने लगेगी। अब जब सारी फाइल दिखने लगेगी तो हमको बड़ी फाइल डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें क्या कमांड देना पड़ेगा, उसके लिए हमें कमांड देना पड़ेगा, ये यहाँ पे आया ना, एग्जिट कर जाते हैं, नहीं ले रहा है, तो फिर से चलते हैं, एक्स करते हैं, रन करते हैं, सीएमडी करते हैं, चेन डायरेक्टरी करेंगे, है ना, सब STX: और अभी ड्राइव का पाथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लिया पाथ, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे सब ड्राइव में गए, यहाँ पर ये किया, इसके बाद इसमें यहाँ आए, डाउनलोड किया, यहाँ पर X: किया, यहाँ पर DIR किया, हो गया। DIR होने के बाद अब यहाँ पे हमें डेल करना है फाइल, तो लिखेंगे डेल स्पेस 0 और स्पेस करके टैब। तो ये देखिए जितनी बड़ी फाइल होगी वो सारी आ जाएगी। जब हमने यहाँ पे दिया तो ये पूछेगा कि डू यू वॉन्ट टू डिलीट इट, अगर आप यस दे दीजिएगा तो वो फाइल डिलीट कर देगा। तो इस तरह से हम बिग फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे और यहाँ पे आएंगे,
अब यहाँ पे फाइल में हम बड़ी फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये फाइल हमने कोई बड़ी फाइल बनाई है अगर ये, तो इसको अगर है हमारे पास तो इसको सीधे डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइल को हम बड़ी फाइल को जो हमारे यूज़ की नहीं है उसको डिलीट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। तो दो ढंग से हमने आपको फाइल को बताया कि इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर भी आता है जिसको 7G सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसको डाउनलोड करके भी आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन, गो टू द कम्युनिटी एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड पोल, एंड प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।